हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजार जैसी एकदम टेस्टी पाव भाजी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हम हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा चटकने देंगे। तो अब इसमें अपनी सारी सब्जियों को डालेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, और आलूओं को मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, तो ये 1/2 छोटा चम्मच से भी मैंने कम डाला है। और 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो हमारी भाजी को एक बहुत ही अच्छा सा कलर देगी, क्योंकि मैं इसमें फूड कलर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन जो बाज़ार वाली पाव भाजी होती है उसमें फूड कलर का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा उनकी भाजी का जो कलर है वो काफ़ी लाल होता है। तो आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। तो अब इसमें हम और सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर ली है, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 कप मैं इसमें फूल गोभी डाल रही हूँ, इसे भी मैंने थोड़ा रफली काटा है। 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। 1/2 कप मैं इसमें फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ। ये मैंने 1 बीटरूट लिया है, इसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। इसे डालने से जो इसका कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैंने इसमें 1.5 कप तक पानी डाला है। बस आपको पानी इतना रखना है कि सब्जियों के लेवल तक रहे। तो अपनी सब्जियों के हिसाब से आप कम ज़्यादा करके पानी डाल सकते हो। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगाएंगे। उसके बाद प्रेशर को अपने आप ही निकलने देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 सीटी लगाई है। कुकर अब हमारा ठंडा हो गया है, मतलब इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम इसका ढक्कन डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ये मैशर लिया है, मैशर से हम सब्जियों को एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसमें कोई भी चंक्स आपको दिखने नहीं चाहिए, इसे एकदम अच्छे से हमें मैश कर लेना है। आपने देखा होगा बाज़ार वाली पाव भाजी में सारी सब्जियां एकदम अच्छे से मिक्स होती हैं, और इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां डाली गई हैं, और हल्की वो दानेदार जैसी भी दिखती हैं। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मैश कर लिया। तो अब हम भाजी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच बटर, क्योंकि पाव भाजी का जो असली मज़ा है वो बटर में ही है। थोड़ा सा मैं इसमें तेल भी डाल रही हूँ, ताकि जो बटर है वो हमारा जले ना। तो मैंने 1 चम्मच इसमें तेल डाला है। तो बटर मेरा यहाँ पे हल्का सा मेल्ट हो गया, तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई, इसमें हल्का सा पिंक कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और शिमला मिर्च को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे शिमला मिर्च मेरी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम मिला लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज और शिमला मिर्च मेरी एकदम अच्छे सॉफ्ट हो गई है, और अदरक लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो भी निकल गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर, जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है। तो ये वाला जो टमाटर है ये हमारी भाजी को हल्का सा खट्टा फ्लेवर देगा। तो इस भाजी में मैंने 3 टमाटर का यूज़ किया है, 2 मैंने सब्जियों को बॉईल करते समय डाला था और 1 अभी मैंने यहाँ पर डाला है। और पाव भाजी में टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और इसे भी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को भी हमें यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो है हमारे एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ इसमें 2 मसाले डालूंगी। तो मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे रेगुलर वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हो, पर उसकी क्वांटिटी को फिर थोड़ा सा कम डालिएगा। और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें हम पाव भाजी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला ले सकते हो। तो बस इसमें हम यही 2 मसाले डालेंगे, और कोई भी मसाला इसमें हमको नहीं डालना है। और हाथों से कश करके हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते समय अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। और मसाले को मीडियम फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। तो मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। तो देखिए मसाले में एकदम अच्छा सा लाल कलर आ गया है, और मसाला भी हमारा एकदम अच्छे से भुन गया है।
तो अब इसमें अपनी मैश करी हुई सब्जियों को हम डाल लेंगे। और इसे अब हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सब्जियों और मसाले एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से मिलजुल जाएं। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिला लिया है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी मैंने इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, लगभग 3/4 कप। और इसे अब हम फिर से मिला लेंगे। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिला लिया है। अभी मैंने यहाँ पे फिर से ये मैशर लिया है। मैशर से मैं इसको हल्का हल्का एक बार और मैश कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी चंक्स अगर रह गए हों तो वो भी एकदम अच्छे से मैश हो जाएं। तो 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर मैश करते हुए इसे मैंने पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर एकदम दरदरा हो रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो मैश करने के बाद ये मुझे हल्का सा थिक और लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, लगभग 1/4 कप के करीब। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ किया है। मिला लेंगे इसे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे 1 नींबू का रस डाला है, इससे हल्का सा खट्टा फ्लेवर आता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे बटर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल लेंगे और इसे हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे बस हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो बिना फूड कलर यूज़ करें आप देख सकते हैं इसमें एकदम बढ़िया सा कलर आया है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो रही है इसकी। तो बस मैंने इसे 1 मिनट के लिए और पका लिया। तो अब हमारी जो भाजी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और अभी ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लूँगी और फटाफट से हम अपने पाव को भी सेक लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तवा लिया है। तवे में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल लेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो एकदम चुटकी भर मैंने डाला है इसे। और बिल्कुल थोड़ा सा ही हम पाव भाजी मसाला भी डालेंगे। और जो भाजी हमने बनाई थी उसका 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पाव लिया और इसमें मैंने 1/2 कट लगा लिया है। तो इसे हम तवे पर डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम अलटते पलटते दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने पाव को एकदम अच्छे से सेक लिया है। तो इसे अब मैं निकाल लूँगी। तो बस अब हम गर्मा गर्म अपनी पाव भाजी को सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए पाव, और साइड में मैंने थोड़ा सा प्याज और नींबू लिया है। और ये रही हमारी भाजी। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा बटर ऊपर से हम और डाल लेंगे। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।